Hey everyone, welcome back to another lecture of Geological Numerical. And I'm really sorry it's been so long that we couldn't make the videos. Coffee time ho gaya. And thank you so much for all the viewers that for your valuable feedbacks that I'm seeing every day. Aap log jo hai acche se feedback aapka aa raha hai, and I'm really happy with that. और कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग डिसलाइक कर रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी विद बोथ ऑफ द थिंग्स कि आप रेट कर रहे हैं और अपना टाइम निकाल रहे हैं और आप अपना टाइम दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे आज जल्दी से मूव करते हैं. लेट्स सी. सो हियर इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने इनकम्प्लीट खुद रखा हुआ है सो दैट आई कैन स्पीक अ लिटिल बिट मोर एंड आई कैन हैव जस्ट मोर इंटरेक्शंस विद यू गाइस. इन अ थिन सेक्शंस ऑफ 35 माइक्रोमीटर थिक्स and the refractive index of a minerals are alpha is this one, beta is this one, and gamma is this one. So the options here, I would love to say that whether it is an uniaxial mineral or it is an biaxial mineral or isotropic, tino mein se kaun sa mineral hai. Let's say whether it is isotropic, uniaxial hai kya, या फिर बाइएक्सियल है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइसोट्रॉपिक है या यूनिएक्सियल है या फिर बाइएक्सियल. सो सिंपल इज दैट बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है. और वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ये है कि आप इसको जब जब देखेंगे कि हमें यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने मिल रहे हैं देखने को, वी हैव अल्फा, वी हैव अ बीटा, एंड वी हैव अ गामा. That means simply कि ये एक biaxial mineral है, क्योंकि तीन refractive index जब भी आते हैं तो वो biaxial mineral होता है. ठीक है, biaxial. तो ये biaxial mineral हुआ. Positive है कि negative, that we cannot determine from here, because for that we need to be angle to measure. तो उसको हम डिटेल में नहीं बात करेंगे. हम अभी जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. In a thin section of 35 micrometer, refractive index are these. तो ये mineral जो है, जिस mineral का ये refractive index है, वो cubic system को belong करता है, या tetragonal को belong करता है, या hexagonal को, या orthorhombic को, ये हमने choose करना है. But basic question है, आप लोग comment box में बता भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो comment box में तो क्या ही बताएंगे. तो हम यहीं से choose कर लेते हैं, ये होगा orthorhombic. क्यों orthorhombic होगा? Reason being ये biaxial mineral है. तो cubic system हमारा आइसोट्रॉपिक होता है, ना ये यूनिएक्सियल होता है ना बाइएक्सियल होता है. टेट्रागोनल और हेक्सागोनल दो सिस्टम हमारे ऐसे होते हैं जो कि यूनिएक्सियल होते हैं, राइट. सो इस हिसाब से बाइएक्सियल में सिर्फ एक सिस्टम है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि ऑर्थोरम्बिक को बिलोंग करता होगा, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अगेन इन अ थिन सेक्शन 70 माइक्रोमीटर थिकनेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मिनरल्स आर, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए गए हैं, मिनरल इज ऑप्टिकली पॉजिटिव और नेगेटिव. और फिर दूसरा हमारे को ये भी समझना जरूरी है कि मिनरल यूनिएक्सियल है या बाइएक्सियल. तो अभी हमारे पास अल्फा बीटा गामा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, हमारे पास तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें होता है? यूनिएक्सियल मिनरल में होता है. सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यूनिएक्सियल मिनरल में ये सारी चीजें होती है. अब इस यूनिएक्सियल मिनरल को हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है. अब ये यूनिएक्सियली पॉजिटिव है या यूनिएक्सियली नेगेटिव है, वो हमें देखना है, ठीक है. कैसे डिटरमिन करेंगे? बहुत इजी है. हमें पता है कि जब आपका इप्सिलॉन ग्रेटर होता है किससे? ओमेगा से. जब ओमेगा से बड़ा होता है क्या? इप्सिलॉन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? That we say that mineral is uniaxially positive, all right? So it is uniaxially positive mineral, all right? Very nice thing. Let's move to the next then. All right. यहाँ पे questions आता है. ये question हम already हमारे previous videos में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हम already इसको solve कर चुके हैं, तो इसको मैं solve नहीं करूँगा. हाँ, अगर किसी को problem है तो आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में किसी एक में शायद है, तो उसको आप देख सकते हैं. मैं आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. मैं आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन से में डाल करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, राइट. सो प्लेनेट एक्स एंड वाई ऑर्बिट अराउंड देयर सन, वाई बीइंग फोर टाइम फार्थेस्ट देन द एक्स फ्रॉम देयर सन.
देन द लेंथ ऑफ ईयर ऑन द वाई कंपेयर टू द एक्स वुड बी व्हाट। ये क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी पार्ट वन में कर चुके हैं, तो आप पार्ट वन में जाकर के इसको सॉल्व करने का तरीका देख सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपका एक रिविजन भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं ऑन ए फ्लैट टोपोग्राफी The outcrop width of a bed is 100 meter. Topography कैसी है? Flat है. और जो outcrop है, अच्छा कोई ये outcrop है, उसकी जो outcrop की width है वो क्या है? 100 meter. ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है distance जो है 100 meter है, ठीक है? और if the true dip of the bed is 30 degree, अब देखो true dip कितनी हो रही है हमारी? True dip जो है हमारी, deep है हमारी 30 degree. ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्चुअल थिकनेस, तो एक्चुअल थिकनेस हमारी है क्या? एक्चुअल थिकनेस ये है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया खुद से, अब थीटा ये हो गया, सो ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, एंड वी ऑल नो दैट वी नो द फॉर्मूला, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोल, समथिंग लाइक दिस, आप जैसे भी आप याद रखते हैं उसको आपका अपना तरीका है, पर दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा एंड दिस इज फॉर टेन थीटा। सो अभी हमारे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में देखो, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेनस हमें दी हुई है, तो हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, लेट से दैट इज एक्स divided by hypotenuse here is given, that is your 100, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 by 2 is equal to x by 100, cross multiply कर दीजिए आप, 2x is equal to 100, x इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 meter, तो हमारा आंसर क्या होगा 50 meter, though in the most of the questions you'll get here the unit, जिस unit में आपको निकालना होगा, right? उस हिसाब से भी आप अपना आंसर जो है चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या सॉल्व करना है, होप इट्स ऑल क्लियर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम पैटर्न पे बेस्ड है, इसको आप पहले जो हमने अभी सॉल्व किया, अभी हमने आज नहीं सॉल्व किया, जो पहले वाली हमारी वीडियोस है उसमें हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वो उसमें आप देख लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपका एक रिविजन हो जाएगा, राइट, ये भी आपका रिविजन हो जाएगा। Next, coming to the here, on a flat topography of the outcrop width, the bed is flat topography है, outcrop width है, और theta हमारा 30 degree है, दिया हुआ है, और ये जो width दी हुई है वो 2000 meter दे रखी है हमें, perpendicular draw कर लीजिए आप, right? Perpendicular draw कर लीजिए x, हो गया आपका यहाँ पे, इसको हमने x मान लिया, ये हमें निकालना है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो किलोमीटर में निकालना है हमने, ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू, या तो आप पहले से इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आप निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए मीटर में, तो मीटर में आंसर आएगा, उसको बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हर जगह आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दिस इज अनटिपिकल केस, सो लेट्स से बेटर इज द बेस्ट मेथड इज, पहले ही आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 2 किलोमीटर हमारा आ जाएगा, 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, सो sin 30 सेम फार्मूला हम लगाएंगे, sin 30 इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन 2, सो 1 बाय 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2, सो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, 1 क्या किलोमीटर, सो आंसर विल बी 1, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2000 मीटर रखोगे तो फिर ये 1000 आएगा, फिर कहीं ऐसा ना हो गलती से आप यहाँ पे 1000 लिख दें, फिर आपका कैलकुलेशन सही है पूरा का पूरा, आपने पूरी चीजें सही करी है, लेकिन व्हाट हैपेंस, आपने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, एंड यू वोंट बी गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट, सो दैट्स अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, टू बी वेरी केयरफुल, राइट। सो वंस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, on a flat topography the outcrop width of a bed is 100 meter, if the out if the dip of a bed is 60 45 and 30, to dekho aapko true dip de di hai, ye dip de rakhi hai yahan pe, aapko true dip hoti hai maximum sin 60 ho jayega aapka, ye ho gaya 60 degree, yahan se humne perpendicular draw kar diya, ye hame nikalna hai, is type ke question aate hain, main practice karwane ke liye aapko bahut sare questions bata raha hu isliye, theek hai, reason being that,
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वी हैव टू कैलकुलेट हाइपोटेनस हियर इज 100 मीटर. सो सिंस देयर इज नो यूनिट गिवन ओवर देयर इन द क्वेश्चंस, तो हम इसको किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू पता करेंगे. साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866254. सो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट इससे 100 से, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 86. तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 86.60. दो यूनिट आप हमेशा में, क्योंकि अप टू 2 यूनिट होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर देने के लिए. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट देन. ये क्वेश्चन चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, बार बार आ रहा है. दो प्लेनेट है हमारे, एक है x और एक है y. ये दोनों की डिस्टेंस जो है, लेट्स से सन यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर रिवॉल्व करेगा इस तरह से, ये इधर रिवॉल्व करेगा इस तरह से. तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी डिस्टेंस लेट्स से कि x है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 6 टाइम है, तो इसकी क्या हो जाएगी 6x. तो हम कह रहे हैं कि जो ईयर यहाँ पे इस प्लेनेट पे होगा तो और जो ईयर यहाँ पे होगा, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, कैपिटल के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग निकल जाता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अब आर क्यूब क्या, ये एक्स है, ठीक है. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट्स से कि हम एक्स कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट कुछ भी आप रख सकते हैं, लेट्स से 5 है, 6 भी है, जो भी आपको रखना है. तो एक्स तो हमने लिया हुआ है सॉरी यहाँ पे, तो हम आप यहाँ पे ए रख लीजिए, कैपिटल ए रख लीजिए, ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन कभी भी हटाएंगे तो आपको ये रखना पड़ेगा. इसको मैं कर देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, लेट्स से दैट कॉन्स्टेंट इज दिस. तो एक्स हमारी वैल्यू है एक्स क्यूब. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन वन. दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको आप सॉल्व कर लीजिए पहले, बेटर है, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे ऐसे मत बनाइए, क्योंकि टी आपको निकालना है, टी स्क्वायर नहीं निकालना है तो कंफ्यूजन हो जाएगा. टी इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ए इंटू एक्स क्यूब. ये हो गया दूसरी इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हुई. दूसरी इक्वेशन प्लेनेट वाई के लिए, इसको हम एक्स के लिख देते हैं, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया हमारा, टी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट ए ही होगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा कैपिटल्स लॉ. अब हमारे पास 6 हो गया, तो 6x क्यूब, सो टी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए 6x क्यूब बोले तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x क्यूब. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 216. टी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 216 ax क्यूब. ये हो गया. तो देखो अभी देखो टी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है. जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 216, ये हो जाता है 14.69 अंडर रूट ए एक्स क्यूब. अब ये ए एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, ए एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है बार 1. सो ये 1 है, और ये कितना, तो कितने टाइम ज्यादा है 14.69. तो अगर ऑप्शन में 14 दिया हुआ है 14 को टिक कीजिए, 16 दिया हुआ है तो आप 16 को नहीं टिक कर सकते फिलहाल, आप 14 को ही टिक करेंगे, नियर अबाउट को टिक करेंगे, या फिर आप बेटर है आप ऑप्शन जो भी रहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक आउट करेंगे. हो सकता है 15 दिया हुआ तो 15 को भी टिक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट, लेकिन 16 को नहीं टिक कर सकते, ठीक है, फिर 14 को टिक करेंगे. दैट्स ऑल, क्लियर. ऑलराइट, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. तो आज की एक्सरसाइज को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जल्दी ही नए एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आते हैं. और हमारा एक्चुअली नया बैच बन रहा है, तो उसके लिए आजकल मैटर वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं आ पाए थे, बट इट्स नॉट देयर कि अगर
आप बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हो हमारा, तो हम आपके लिए, जितने भी आप हमारे व्यूवर्स है जो सब्सक्राइबर है, आपके लिए कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा, आपके लिए बिल्कुल मटेरियल मिलेगा, आप बिल्कुल इंगेज रहेंगे, आपको भी इंगेज रखेंगे। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।